कुलदीप नूं अपने पापा चंगे नहीं सी लगदे क्योंकि पापा उसनूं हमेशा टोकते रहिंदे सी, बेटा आ कपड़े नहीं पाओ, शाम नूं टाइम नाल घर आ जाना, ज़्यादा फ्रेंड्स ना बनाओ, फ्रेंड्स नाल पिक्चर देखन ना जाओ वगैरह वगैरह। उसनूं लगदा सी कि उसने अपने मन पसंद दा पहन के नहीं वेख्या, हर वक्त पाबंदी च रहना। उसने माँ कोल इस गल दा रूसा करना पर माँ ने हस के कहना, कोई गल नहीं पुत्तर, सारी उम्र पई आ तेरी अजे। व्याह तो बाद जो मर्जी पायो, जिथे मर्जी जायो, कुलदीप अपने व्याह बारे सोचन लग जाती है। व्याह उसनू अपनी आज़ादी जापती है। उसनू लगता सी कि व्याह तो बाद सारिया पाबंदियां खत्म हो जाएगियां, इसलिए उसनू व्याह का बहुत ज़्यादा चा सी। बी एड करन तो बाद कुलदीप दे व्याह की गल चली ते जल्दी ही कुलदीप का व्याह बलविंदर नाल हो गया। कुलदीप बहुत खुश सी। उसनू अज का दिन 15 अगस्त जिहा जापदा सी। बलविंदर स्कूल विच नौकरी करदा सी ते कुलदीप नू वी स्कूल विच नौकरी मिल गई। कुछ दिन तां कुलदीप ने खूब कपड़े ते गहने पाए पर जल्दी ही सस ते जठाणी ने टोकना शुरू कर दिता, हुण इन्नी तैयारी चंगी नहीं लगती बेटा, तुसी स्कूल पढ़ाउण जांदे हो ना कि फैशन करन, सस ने टोकना। माँ द्वारा दिते गहने हौली हौली लॉकर का शिंगार बन के रह गए। जदों भी किते जाना हुंदा तां सस दी मन पसंद दा सूट ते गहने पाने पैंदे। कुलदीप नूं ब्याह तो बाद वाली आज़ादी भी फिक्की जही लगी। उसने कई बार बलविंदर कोल रोसा करके अपनी पसंद का पहनण भी नहीं सकती ते ना ही अपनी पसंद का खा सकती हाँ ते ना ही मर्जी नाल किते जा सकती हाँ। बलविंदर ने हस के कुलदीप की माँ वाली गल ही कही, बहुत उम्र पई आ कपड़े पाउण दी, माँ ने केड़ा सारी उम्र बैठे रहना। कुलदीप ते एक बेटा हो गया। हौली हौली कुलदीप की सस बुढ़ी हो गई। हुण ओ कुलदीप नू ज़्यादा ना टोकदी। जठानी भी अलग हो गई। वेखदे वेखदे कई साल लंघ गए। कुलदीप ते बेटे ने 10वीं पास कर ली ते 12वीं दे दाखले लई शहर दे स्कूल जाना सी। कुलदीप वधिया तरह तैयार होई, लिपस्टिक वगैरह लाई अते लाल रंग दा सूट पाया। ज्यों ही वह जान लगे तो कुलदीप का बेटा कहिंदा, मम्मी तुसी इस तरह तैयार होके जाओगे, किन्ने भड़कीले रंग का सूट पाया, मैनू तो शर्म आउंदी आ तुहाडे नाल जांदियां नू, मेरे दोस्त की कहणगे। हर वार की तरह कुलदीप ने इस बार भी अपने पसंद के कपड़े नहीं पाए। उसने वो सूट बदल के दूसरा पा लिया। वो स्कूल जा रहे सन ते कुलदीप अपनी आज़ादी बारे सोच रही सी। उसनू ये गल समझ विच रत्ता भी देर ना लगी कि औरत की आज़ादी सिर्फ कागजां विच ही है, पर इस बार उसनू गुस्सा नहीं आया।